सुजुकी ई बगमैन 2020, 2021, 2022 इन तीन सालों में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट करते हुए इंडियन रोडों पे देखा गया है एंड उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। मार्केट में बड़ी बड़ी OEMs अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्चिंग करने के प्लान शेयर कर रही है। अब सुजुकी की तरफ से भी फाइनली अपडेट आ चुका है, तो आज इस वीडियो में यही अपडेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूपम, आप सभी का स्वागत करते हैं सुजुकी बगमैन। वैसे तो ये आईसी इंजन में ठीक ठाक सेल कर लेते, बट इसी गाड़ी पे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी समय से इंडियन मार्केट में टेस्ट हो रहा है। जब लास्ट टाइम सुजुकी से पूछा गया था कि ऐसा टेस्टिंग चल रहा है तो क्या एक्चुअल में ये व्हीकल आने वाली है, तो एक प्रेस रिलीज में ये सुनने को मिला था कि सुजुकी अभी गाड़ी टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन क्या वो इसी साल लाएगा ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हम इस चीज पे दावा नहीं करते। तो उसके बाद से सुजुकी की तरफ से देयर इज नो अपडेट एंड तब से सारी की सारी चुप्पी सधी हुई थी। बट फाइनली आज एक अपडेट आता है सुजुकी की तरफ से, ये अपडेट पूरी मीडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो व्हीकल है ये आप सामने देख सकते हैं, ये व्हीकल एक्चुअल में टोक्यो में टेस्ट हो रहा है। टोटल 8 यूनिट टेस्ट की जा रही है और ये प्रोडक्शन स्पेक्स इसके फाइनली थोड़े बहुत रिवील हो चुके हैं। तो आज इसी वीडियो में आज इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो जो बगमैन आईसी इंजन है और जो बगमैन इलेक्ट्रिक है, इसमें आपको जो वेट है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है आईसी इंजन के कंपेयर में, 36 किलो ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैटरी है, जो हमको पहले सुनने को मिला था कि ये एक फिक्स बैटरी के साथ आएगा, बट ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन स्पेक्स वाले में आपको रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो बैटरी कैपेसिटी है वो अभी तक रिवील नहीं है, लेकिन आए कुछ दिनों में ये चीज भी रिवील बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में जो आर्टिकल्स आए मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहला तो जो रेंज और इसकी टॉप स्पीड, जो सुन के मैंने सोचा यार ऐसा नहीं हो सकता है, ये आगे जाके जरूर अपडेट होगा, बट जो आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 44 किलोमीटर विद अ सिंगल चार्ज और यहाँ पे जो टॉप स्पीड थी इस रेंज के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स मैंने अभी तक पढ़े हैं उन सब में लिखा है कि फ्यूचर में जाके जब एक्चुअल में ही आएगी इसमें ये सारी चीजें और अपडेट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे स्वाइपिंग सिस्टम यूज किया गया है, यानी जो बैटरी है वो स्वाइपेबल है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ये जो स्वाइपिंग सिस्टम वाली जो बैटरी है, बेसिकली जो होंडा का चार्जिंग जो स्वाइपिंग सिस्टम है उसमें भी आप चार्ज कर सकते हैं एंड वहां पे भी स्वाइप करा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आप सुजुकी की ई बगमैन में ले सकते हैं। यहाँ पे हम मोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेटेड पावर है 0.98 किलोवाट है और जो पीक पावर आउटपुट है 4 किलोवाट। हालांकि ये सुन के आपको लगेगा इससे बेहतर तो हमारे इधर की हीरो इलेक्ट्रिक है या दूसरी जो ओकिनावा की गाड़ी है उनमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन ये अभी जापान टोक्यो की बात कर रहे हैं, ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन स्पेक्स में डिफरेंस होगा, जितने भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़े हैं उसमें यही है कि ये सारी चीजें इंडिया वाले वेरियंट में थोड़े से अपडेट किए जाएंगे। यहाँ पे जो व्हीकल है जो प्रोडक्शन स्पेक्स पे है उसमें जो टॉर्क है वो 80 न्यूटन मीटर्स का देखने को मिलता है एंड यहाँ पे जो मोटर है दैट इज AC सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया गया और जो बैटरी है दैट इज लिथियम आयन बैटरी। अगर आपको जानना है इसकी हाइट विड्थ इसकी लेंथ क्या है तो ये आपकी स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ। ये इसकी हाइट विड्थ इसकी लेंथ और इसकी सीट हाइट है 780 mm और ओवरऑल देखा जाए तो बस इतने ही स्पेसिफिकेशन अभी तक रिवील हुए हैं, लेकिन इंडिया में अभी आने में इसको टाइम है, बहुत टाइम है। अभी गारंटी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये आ ही जाएगा इस महीने इस तारीख में, लेकिन चीजें चालू हो चुकी है। वैसे भी सुजुकी के कॉम्पिटिशन में होंडा ने अपना प्लान रिवील कर दिया है, इवन यामा भी अपने व्हीकल्स के साथ आने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है यामा की नियोस है, तो वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी इंडिया में आने के प्लान आउट चल रहे हैं। विद इन 2024 या 2024 एंड तक आपको बहुत सारे OEMs अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करते हुए देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही अपडेट था सुजुकी मोटर के तरफ से। वीडियो चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी आपको अपडेट्स पसंद हो प्लीज चैनल को चेकआउट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।